नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में। मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च और मैं आज अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। प्रोग्राम क्या बना रही थी, मतलब मैंने थोड़ा पहले से ही सोच रखा था कि मैं आज घर पे जाऊंगी। एक्चुअली आज मेरे भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है और ओम के एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने उससे कहा था कि जब तुम्हारे एग्जाम अच्छे से होंगे तो मैं तुम्हें मामा के घुमा के लाऊंगी। और आज ही ओम का लास्ट एग्जाम है, तो बस बच्चों ने तो यही बात सोच ली कि आज भैया का लास्ट एग्जाम है तो हमें मामा के जाना है। तो सिया तो यही कि मामा के जाना है, आज भैया का लास्ट एग्जाम है। तो मतलब इन्होंने पूरा अपना माइंड सेट कर लिया था कि हम एग्जाम खत्म होने के बाद मामा के जाएंगे। मैं भी सोच रही थी कि चलो जाके उनको सरप्राइज दे देंगे, लेकिन इनका मैंने इनसे कहा था कि चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन इनकी छुट्टी का कुछ कंफर्म नहीं था। तो इन्हें वैसे कल की छुट्टी मिल गई, अभी भी मेरी इनसे बात हुई है, लेकिन एक बात और एक प्रॉब्लम और मेरे साथ आ खड़ी हुई। अक्सर जब भी मैं घर जाने की सोचती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा जरूर होता है कि ये नहीं कि मैं फ्री माइंड से घर चली गई खुश होके कि हाँ मैं अपने घर जा रही हूँ। आज सिया जब सो के उठी तो इसको फीवर था, और जब इसकी तबीयत खराब होती है, इसकी ऐसे ही होती है, एकदम से ही मतलब इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और अक्सर क्या होता है, मैं कहीं जाती हूँ या तो वहां पे जाने के बाद या आने के बाद मतलब इसकी तबीयत खराब हो ही जाती है। पता नहीं इसको कैसे पता चलता है कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो आज जब ये उठी तो इसको फीवर था, और उसके बाद मतलब इसके पेट में भी काफी दर्द है। अब मैंने दवाई दी है तो मैंने इनसे बात की, कह रहे कि शाम तक मैं आऊंगा और अगर तब तक आराम लग जाता है तो हम लोग जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। तो अब मतलब सारा सिया की तबीयत के ऊपर है कि देखते हैं इसको शाम तक आराम लगता है नहीं। वैसे मैंने अपना काम मतलब जो घर का डेली का काम है वो जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया कि अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, फिर ये नहीं रहेगा। और सिया अपने कपड़े निकाल के बैठी है कि हाँ हम तो जाएंगे। मैं कह रही हूँ बेटा तबीयत खराब है, बाद में चलेंगे, कि नहीं मुझे तो जाना है। दिखाना अपने कपड़े कौन से निकाले हैं आपने, अपने पसंद के कपड़े पहनती है हमेशा, कभी कभी तो एक ही ड्रेस को बार बार रिपीट करती रहती है। ये पिंक फ्रॉक, ये पिंक ड्रेस सिया की फेवरेट ड्रेस है। तो फ्रेंड्स भैया के भी अपने भी निकाल रखे हैं, भैया के भी निकाल रखे, और ये अपने टॉयज भी पैक कर रखे हैं, ये टॉयज लेके जाएगी। और मतलब मेरा भी कुछ नहीं है कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, क्योंकि जब पहले ना मतलब भैया की टी शर्ट भी, भैया की टी शर्ट मतलब भैया की पैंट बजूदा। तो मतलब जब हम ना पहले सोच लेते कि हम जाएंगे और फिर ना जाएं तो बहुत दुख सा होता था, इसलिए मैंने अभी अपने कपड़े नहीं निकाले। अगर मतलब इसकी तबीयत ठीक रही तो हम जाएंगे, और अभी वैसे ओम भी नहीं आया, ओम 2 बजे तक आएगा। हाँ जाएंगे, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, तो अभी 2 बजे के करीब ओम आएगा और 3:30-4 तक ये आएंगे, तो उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि हम जाएंगे या नहीं। तो अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो फिर कभी, अब अगर जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, और जब ये आए तो फिर उसके बाद हम सिया को डॉक्टर के दिखा के लाए, तो अब तो थोड़ा इसको आराम है। उसके बाद दवाई लेने के बाद ये सो गई थी, तो हम इसे सोती हुई कोई ले आए, इसके कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए। और अभी तो मतलब हम 5:30 के करीब बजे हैं, और उन लोगों को नहीं पता कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, बस मैं भी फटाफट तैयार हो गई। तैयार क्या होना, बस अपने मायके जा रही हूँ, वैसे भी कुछ ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, हम तो बस ऐसे ही सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए जल्दबाजी में नेल पॉलिश मैंने हटा तो ली थी लेकिन लगा नहीं पाई, तो अब मिलते हैं वहीं पर। चलिए हम लोग आ गए, और अब इनको पता नहीं है, देखते हैं कैसा रिएक्ट करते हैं। देख लिया उसने ऊपर से, ओम तो सो गया। ओम अब लगता है गोदी उठाना पड़ेगा, उठो बेटा। कैसा लगा सरप्राइज, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ये है तुम्हें राजा। थैंक यू, आओ नमस्कार।
ये दिखा रही है मम्मी, चॉकलेट मार के दे दो। क्या दिया ये फूफा जी? नहीं फूफा जी, काश में फूफा जी। मामा कर दे, मामा करना। माम कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हो आप? अभी तो कमजोर सी हो गई, बहुत कमजोर हो गई। आ जाओ मम्मी। नहीं बोला मंकी है तो मंकी बच्चे को देखो, ऊपर से देखो, वो रहा मंकी, वो रहा बच्चे, देखो मंकी। ये आते ही मंकी के दर्शन हुए। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पता था हम आएंगे, बिल्कुल। जब आपने बोला था ना कि रास्ते मुझे डॉक्टर जा रहे हैं, तो सिया ने बोल दिया पीछे से। तुमने सुन लिया था? तुम्हें पता था प्रियंका आएंगे? पता था तो मतलब हमारा। लेकिन आपने एक बार बोला था ना डॉक्टर के आया, तो मुझे लगा सच में भी सिया बोल गई थी। अच्छा, यानी कि सिया ने हमारी पोल खुला दी। वो खोलेगी काश भी। ये किसने दी? कौन लाया? काश भी कौन लाया? जी आप तबीयत कैसी है? हेलो बेटा, ठीक हो गई? यहाँ आते हैं क्या है काश्वी? कहाँ है, क्या आया? ये बता रही मंकी। चलो कहाँ है, कहाँ है काश्वी? ऊपर बच्चों का मन यहाँ पर इसीलिए काफी लग जाता है कि यहाँ पर इनको मंकी, पिजन, कैट और जो मतलब पशु हैं वो सब देखने को मिल जाते हैं। और सिया तो आते ही काफी खुश हो गई है, लगता है कि इसकी तबीयत खराब थी ही नहीं। बच्चे तो बस नाश्ता करके ही बाहर खेलने के लिए चले गए। ओम तो आने के बाद घर में रुकता ही नहीं है, ये तो बस बाहर ही खेलता रहता है और इसीलिए इसका ज़्यादा मन करता है यहाँ पर आने के लिए। सिया का काश्वी के साथ मन लगता है, ये बाहर कहीं नहीं जाती, बस काश्वी के साथ खेलती रहती है। डेकोरेशन क्यों नहीं की? वो हैप्पी एनिवर्सरी रखा था, वो क्यों नहीं लगाया? बता जल्दी, बता ऑन कैमरा, बताओ जल्दी। इनकी शादी को भी 2 साल हुए हैं, तुम भी बताओ भाई। मुझे इन्होंने मना किया था। हाँ भाई, सफाई पेश की जाए। बताऊं? बताओ। इसलिए नहीं, क्योंकि हम घर घर गए 3-4 लोग, तो हमारा नया कुछ प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, तो मतलब हम तो ऐसे ही बैठ के यहाँ पे मार जाते, तो कोई प्रोग्राम नहीं था फिर। अच्छा, क्या कौन कह रहा है? अपनी पे क्यों करते हो तुम? अपनी पे क्यों करते हो? मैं तो नहीं करता अपनी पे भी। अच्छा, अभी वीडियो दिखा दूंगी, ये नहीं करते। पिछली बार ना मैंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। पिछली बार पहली थी, अगली बार दूसरी थी। अच्छा, और जब मतलब तुम्हारी कम से कम 5वीं तक तो इस बार हैप्पी एनिवर्सरी आता है, अगली बार पार्टी हट जाएगी। चलो एक मिनट। तो मेरे भाई ने डेकोरेशन इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी शादी को हो गए 2 साल, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो बेचारा पिछली बार थक गया। ऐसा नजर लग जाती है लोगों को, नजर लग जाती है, तो इसलिए इसने कोई डेकोरेशन नहीं की। और पिछली बार मैं थी, तो मतलब पिछली बार ही मैंने ही सारी डेकोरेशन की थी, इस बार ही मेरे भाई ने इतना बड़ा फंक्शन कर रखा है। केक दिखाओ, केक। ये उसी से लाया गया जिससे पिछली बार लाया। क्या आप क्या दिखा रही? अरे बेबी डॉल दे दो। अच्छा, ये बेबी डॉल ये चाहिए? चलो भाई बेबी डॉल नहीं, मुझे अच्छा अच्छा सिर्फ डॉल दे दो। ये चाहिए भाई बेबी, लो लो बेबी। अरे प्रियंका, वो मेरी कैंटी भी तो निकली होगी इसमें, वो मट्टी। अरे होगी यार। अरे भाई 2 साल हो गए, कैंडल की लगेगी यार। ऐसा है, 2-4 मैंने कहा अंग्रेजों के चोचले हैं, अंग्रेज भी देखेंगे इसे। केक बेक, मोमबत्ती बुझानी चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, जलानी चाहिए? तो यार जला लेना, बुझाने को किसने कहा? कैमरामैन, कैमरा वूमेन घूमती हुई। नहीं लेना, लेना पकड़ो, पकड़ो, चला
और ये पायल बिछवे। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी नहीं है एक दूसरे। और इनकी शादी का बहुमूल्य उपहार इनकी गोदी में आता हुआ। ये हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और भी बताइए स्वीट कपल कैसे रहे आपके दो साल? बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लड़ती है बहुत, इसीलिए डेकोरेशन नहीं की। काशी फैन चल रहा है। वो तुम्हारी जैसी है। मेरे जैसी बहुत अच्छी है। मेरे तो नाना जी जय बोल रहे हैं। फैन लड़ती है बहुत। लो काशु। मम्मी लो। हेलो मम्मी। मम्मी लो। मम्मी ये तो पूरा लेगी भाई। पकड़ियो भाई। खिलाओ एक दूसरे को जल्दी। नमस्ते बेटे। सी नो। चलो भाई खिलाओ। पहले एक दूसरे को तो खिलाओ। ये मुंह में जाता हुआ। ये क्लैपिंग करो बच्चों। बच्चों को कहा है बापू ही खा गए सारा केक। छोटू तुम्हारे फ्रेंड ने डेकोरेशन नहीं की। कह रहा दो साल हो गए अब शादी को। मम्मी लो खिलाओ। मैं भी खाऊं। मम्मी लो खिलाऊंगा। मम्मी को देखो खा के हाथ से उठाओ। हम तीनों तो केक ले वो चावल लेंगे। पापा चलो आ जाओ। जाओ पापा आ जाओ। चलो बाबू बाबू पापा आ जाओ। कट गया ले लो। और ये माता जी पूरी बनाते हुए गर्मा गर्म पूरी। लाइट ठीक नहीं आ रही है पर किचन में ना अंधेरा सो लग रहा है। और वहां पे वो लोग खाना खा रहे हैं। हमारा भी नंबर नहीं। हम लेडीज बाद में खाएंगे। दवाई तो गाड़ी में ही है। ले आया मैं दवाई। जो बैग था ना पछले वाला उसको ऊपर रखे। हां तो लोग दे दो। लेडीज डिपार्टमेंट अपनी फॉर्म में आ गया। ये देखिए दुल्हन काम पे लग गई और सासू मां बना रही है पूरी। और मैं अभी फ्री नहीं हूँ। मैं खिला रही हूँ। सारा खाना मैंने लगाया है बता दू। फ्री का नहीं खा रही हूँ। जो बनाया है वो भी तो दिखा दो। बताओ क्या बनाया है। पनीर की सब्जी बनाई है और शिमला मिर्च।
और खीर भी है, भी है। और सलाद और इनको ये था कि कोई आएगा नहीं, तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल बनाया था। और इनको पहले ये था कि कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन काशवी की तबीयत भी थोड़ा खराब है, तो इसलिए घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है, लेकिन मजा आ रहा है। कौआ बस दफा हुआ, क्या बात है बता दो, यहाँ पे बताओ क्या बात है, क्या हुआ? अम्मा अम्मा खाना बना रही है, मम्मा बर्तन छाप कर लिए हैं, पापा खाना खिला रहे हैं, अब बुआ को फ्री कर दिया, बुआ काश्मी को खिला रही हैं, है ना? बुला लो, हेलो कर दो, हेलो अच्छी, हेलो कर दो, हाँ जी बोलो, हेलो कर दो काश्मी, हेलो अच्छा बाय कर दो, बाय करो, बाय नहीं बाय भी नहीं करना, सब लोग खाना खा चुके हैं, बच्चों को भी खिला दिया और अब हम तीनों खाएंगे। कितनी सारी पूरी ले रही मैं तो सिर्फ दो खाऊंगी, बाकी सब यही दोनों खाने वाले हैं। बदनाम नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं बचेगी, मुझे पता है बिल्कुल नहीं बचने वाली, दोनों इतने खाते एक बार में 8 पराठे लेके बैठती हूँ। हम काम भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, मतलब मैं एक्सेप्ट किए ऐसे ही काम करती हूँ, ऐसे ही खाती है। तो मतलब दिखाते हैं खूब खूब खाती है, खूब खूब काम करती है, हाँ कुछ भी नहीं बचा मुझे बताया गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब खाना खाते हैं। देखो भाई हमारे पास तो थाली भी ऐसी है, दीदी के साइड में रखी है, रख खेलो मैं तो ऐसे खिसका दूंगी, अपने पास रखो। कुछ तो खाओगी ना, कुछ और बस जाए सुबह को दे दें तुम नाश्ते में। हेलो छोटू है ये अभी आकर दो तो फ्रेंड्स ये गिफ्ट हम लाए थे और इन लोगों को काफी पसंद आया और काफी मन लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे काफी खुश हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।